नमस्कार प्राइम शो तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुख करते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 खबरों पर। सीमा सुरक्षा बल के 18वें अलंकरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल, सुरक्षा बल के अधिकारियों व जवानों को किया सम्मानित। जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा, महंगाई से बढ़कर नहीं है जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर राज्य दर्जा मुद्दा। यूपी के बाराबंकी में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड करेगी 300 करोड़ का निवेश, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाने ने बताया, 1000 लोगों के लिए रोजगार का होगा सृजन। उत्तराखंड में केदार जैसी आपदा का खतरा बढ़ा, 308 गांव का विस्थापन अटका, कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। कैप्टन अमरिंदर ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर चेताया, कहा पंजाब की राजनीति में ना दे दखल वरना होगा बड़ा नुकसान। भारतीय नौसेना को मिला 2 MH-60R हेलीकॉप्टर, मजबूत होने की राह पर भारत अमेरिका रक्षा संबंध। बढ़ने जा रही है भारतीय वायुसेना की ताकत, मिलेंगे एडवांस पैराशूट, युद्ध स्थल पर पहुंचाएंगे हथियार। अफगानिस्तान तालिबान पर भारत ने खोले पत्ते, पेश किया समाधान का रोडमैप, दूसरे देशों पर बना दबाव। दुनिया पर गहराया कोरोना की तीसरी लहर का साया, भारत के लिए 3 से 4 महीने होंगे अहम। नवंबर तक पूरा हो जाएगा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट, हरदीप सिंह पुरी बोले अब तक की प्रगति संतोषजनक। सबरीमाला मंदिर 5 दिनों के लिए खुला, हर रोज 5000 भक्तों को ही दर्शन की मिली है अनुमति। केरल में जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप का फैसला, IUML ने जताई राज्य में विद्रोह की आशंका। मध्य प्रदेश में जय भारत परस्पर सहकारी संस्था में 4.5 करोड़ रुपए का घोटाला, संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने फर्जी खातों के जरिए सदस्यों का निकाला धन। कर्नाटक में एसिड अटैक के एक मामले में आया फैसला, 4 लोगों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा, 20 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। भगोड़े विजय माल्या लोन डिफॉल्ट मामले में बैंक को मिले 792 करोड़ रुपए, ईडी ने दी जानकारी। आगरा में हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन, सपा के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। बुलंदशहर में प्रधानी रंजिश को लेकर अत्याचार, ससुराल वालों पर बहू ने लगाए हैं गंभीर आरोप। हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही है धांधली, ग्रामीणों द्वारा की गई जांच की मांग। राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, गरीब किसान के घर में की तोड़फोड़। सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका वाड्रा, कहा नष्ट किया जा रहा है संविधान, लोकतंत्र का हो रहा चीरहरण।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, भाजपा राज में खूब फल फूल रहे हैं, झूठ के अमर बेल। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय, अंत्योदय सिद्धांत पर चलेगा मिशन 2022। निर्वाचन आयोग ने शुरू की यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी, मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे युवाओं व महिलाओं के नाम। आश्वासन के बाद देर रात वापस लौटे गन्ना किसान, दो दिन से चला विरोध प्रदर्शन किया हर। आजमगढ़ में महिला अस्पताल के हाल है बेहाल, अपनी जान गंवा रहे हैं मासूम बच्चे, पीड़ितों ने अस्पताल के खिलाफ किया हंगामा। आजमगढ़ में पालिया गांव पहुंचे राम गोविंद चौधरी, पीड़ित परिवार से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। बदायूं में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी मौके से हुआ फरार, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। गोरखपुर में छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन, छात्रावास की मांग को लेकर किया गया हंगामा, कुलपति के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। गोरखपुर में तीसरी लहर को देखते हुए अलर्ट, जिला चिकित्सालय के एसआईसी ने किया अस्पताल का जायजा, साफ सफाई पर दिया जा रहा ध्यान। हमीरपुर में 15 लाख की चोरी की घटना को चोरों ने दिया अंजाम, वहीं एक फौजी के घर से सूटकेस में रखी रिवॉल्वर व 10 कारतूस लेकर चोर हुए मौके से फरार। सीतापुर में अज्ञात बदमाशों ने व्यक्ति के हाथ से छीना बैग, शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन, घटना में संलिप्त अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में शातिर लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने लुटेरों के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, लूटी गई टीवी, बाइक सहित कई सामान किए बरामद। अलीगढ़ में संविदा कर्मियों ने इगलास अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा गया है ज्ञापन। बुलंदशहर में अध्यापकों ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए स्कूल संचालकों की अनुमति प्रदान करने की उठाई मांग। गोरखपुर में अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग का हुआ खुलासा, गैंग सरगना सहित साथियों को किया गया गिरफ्तार, साथ ही हमला करने में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद। जालौन में वैक्सीन के खत्म होने पर ग्रामीणों का हंगामा, हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। कानपुर देहात में मंडलायुक्त की अधिकारियों के साथ बैठक, विभिन्न योजनाओं पर लिया गया संज्ञान, कोविड की तीसरी लहर से निपटने की प्लानिंग के दिए गए निर्देश। कानपुर में करंट लगने से सफाई कर्मी की हुई मौत, परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस। रायबरेली के महिला थाने में ही नहीं सुरक्षित महिलाएं, थाने में हुई पति पत्नी में जमकर मारपीट। अलीगढ़ में जीआरपी और आरपीएफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, लाखों की लूट करने वाले लुटेरों को किया गया गिरफ्तार, आरोपित से ज्वेलरी और 25,000 की नकदी बरामद। गाजीपुर में अमन कमेटी की हुई बैठक आयोजित, सीओ ने बकरीद को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश, बेहतर व्यवस्थाओं का दिया आश्वासन।
कन्नौज में दोहरे अपहरण कांड का हुआ खुलासा, पुलिस ने अपहरित व्यापारी को किया बरामद, अपहरण करने वाले दो साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजीपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद, दरवाजा तोड़कर लाखों की चोरी कर चोर हुए फरार, पुलिस चोरों की जांच में जुटी। अल्मोड़ा में श्रद्धालुओं के लिए खुले जागेश्वर धाम के कपाट, श्रावणी मेले की हुई शुरुआत। हरिद्वार में अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीण, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। हरिद्वार में अस्पताल में दवाई जलाने का मामला, एसीएमओ ने डॉक्टर्स को लगाई फटकार, मामले की जांच कराने के दिए निर्देश। हरिद्वार में किसानों के साथ बैंक कर्मियों की बैठक, बैंक से मिलने वाले लाभों के बारे में बताया, सरकार की योजनाओं के बारे में भी दी जानकारी। लक्सर में पटवारी का रिश्वत मांगने का वीडियो हुआ वायरल, एसडीएम ने पटवारी को किया निलंबित, किसान से रिश्वत मांग रहा था पटवारी। मंगलौर में सड़क हादसे में सिपाही की मौत, ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था सिपाही, ट्रक में मोटरसाइकिल टकराने से हुआ यह हादसा। बंगलौर में पुलिसकर्मियों के साथ खड़ी हुई कांग्रेस, ग्रेट पे में कटौती को लेकर किया प्रदर्शन, कांग्रेस ने सीएम की निकाली शव यात्रा। बंगलौर में ईद उल अजहा पर्व को लेकर पुलिस ने की बैठक, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को मनाने की अपील, कोतवाल ने मौजूद लोगों की भी बैठक में रहे मौजूद। मसूरी में प्रदेश भर में हरेला पर्व की धूम, ग्रामीणों के साथ पुलिस विभाग ने मिलकर किया पौधारोपण। पौड़ी में भी मची हरेला पर्व की धूम, पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, 5000 पौधे लगाने का रखा गया लक्ष्य। ऋषिकेश में स्वास्थ्य मंत्री ने किया औचक निरीक्षण, अस्पताल प्रशासन में मचा हड़कंप, स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री ने लगाई अधिकारियों की क्लास, पुस्ता टहने पर निरीक्षण करने पहुंचे थे महाराज, लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार। हरिद्वार में प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का सम्मान, नए कंधों पर दी गई व्यापार मंडल की जिम्मेदारी। चंपावत में हरेला पर्व की दिखी धूम, मनरेगा के तहत 105 समूहों को 500 पौधे किए गए वितरित, वृक्षारोपण कार्य करने पर समूहों को दी गई मजदूरी। चमोली में पहाड़ क्षेत्रवासियों के लिए राहत की खबर, पैसे निकालने अब एटीएम नहीं जाना पड़ेगा, एटीएम वैन उपलब्ध कराएगी पैसा। रुड़की में देवर ने भाभी को बेरहमी से पीटा, भाभी की मौके पर हुई मौत, घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। उत्तराखंड में वीकेंड लॉकडाउन के लिए प्रशासन ने कसी कमर, यातायात व्यवस्था और पर्यटकों की भीड़ को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स की गई तैनाती। फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चौहान ने कहा, जमीन का भय दिखाकर किसानों को भ्रमित कर रहे विपक्षी दल। नैनीताल बॉर्डर से रोजाना 400 टूरिस्ट किए जा रहे वापस, कोरोना से बचाव के लिए पर्यटन स्थल पर बड़ी सख्ती।
राजमिस्त्री की गला रेत कर की गई हत्या। घटना को अंजाम देने पर पड़ोसी युवक पर जताया गया शक। तलाश के लिए चार टीमें की गई गठित। नैनीताल में अवैध निर्माणकर्ता दे रहे सरकारी तंत्र को चुनौती। सुप्रीम और हाईकोर्ट के आदेश पर भी नहीं कर रहे अमल। आपकी सक्रियता से भाजपा कांग्रेस बेचैन। उत्तराखंड में पार्टी ने तेज की गतिविधियां। टिकट की दावेदारी के साथ शुरू किया गांव गांव भ्रमण। पिछले कई दिनों से दक्षिण अफ्रीका में हो रहे हैं दंगे। दंगाइयों के आगे बेबस साबित हो रही है पुलिस। भारतीय लोगों को भी निशाना बना रहे हैं दंगाई। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान पर लगाया तालिबानी आतंकियों का साथ देने का आरोप। सीमा नंदा अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी। सीनेट में 53-46 वोटों से हुई नियुक्ति। तालिबान अफगान सेना के बीच झड़प में गई भारतीय फोटो पत्रकार दानिश की जान। अफगान सीमा के करीब आतंकियों के चंगुल से टेलीकॉम वर्करों को पाकिस्तानी सेना ने कराया आजाद। अमेरिका में दो बिल्डिंग्स के बीच 8 इंच पतली जगह में फंसी महिला बाहर निकली तो हैरत में पड़ गए लोग। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेनोस के साथ अंतरिक्ष की सैर करेगा 18 साल का लड़का। बनेगा सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री। यूएनएससी में उठाव। अफगानिस्तान में हुई पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या का मुद्दा। भारत ने की कड़ी निंदा। डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सीनेटरों ने भारत के प्रति उगली आग। तीनों ने अभिव्यक्ति की आजादी सहित धार्मिक स्तर पर भेदभाव को लेकर जताई चिंता। अफगान युद्ध का आलोचक चीन अमेरिका के जाने से चिंतित। कहा क्षेत्र में असुरक्षा के लिए बाइडेन होंगे जिम्मेदार। कोरोना को लेकर चीन में फिर जांच करना चाहता है WHO। कहा शुरुआती आंकड़े नहीं मिलने से पहली जांच में आई है बाधा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नागरिकों के खिलाफ हिंसा। राष्ट्रपति ने हालात संभालने के लिए सीनियर नेताओं को भेजा। अफगानिस्तान में हिंसा पर राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान को घेरा। तालिबान की मदद करने का लगाया आरोप। फ्रांस में कोविड-19 डेल्टा संक्रमण की बढ़ोतरी के बावजूद खोला गया एफिल टावर। पिछले साल अक्टूबर में हुआ था बंद। साइबेरिया में इंजन में खराबी के बाद रूसी विमान ने की आपातकालीन लैंडिंग। विमान में सवार सभी 19 यात्रियों और चालक दल के सदस्य जीवित और सुरक्षित। नेपाल में आया राजनीतिक संकट। CPN UML का ओली गुट नई देउबा सरकार के खिलाफ देगा वोट। अर्थशास्त्रियों ने भारी बहुमत के अनुसार जेरोम पावेल को US राष्ट्रपति बाइडेन फिर कर सकते हैं फेड अध्यक्ष के रूप में नियुक्त। अफ्रीकी देशों को जल्द मिलेगी अमेरिका द्वारा भेजी गई कोविड-19 टीके की खेप। बुर्निका फासो और इथियोपिया को मिलेगी पहली शिपमेंट।
यूरोप में भीषण बाढ़ का कहर, मरने वालों की संख्या 120 से ज्यादा हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी। तालिबान के समर्थन पर बढ़ा विवाद, पाकिस्तान ने टाली अफगान शांति सम्मेलन की मेजबानी। रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल को 3497 करोड़ रुपए में खरीदा, ईशा अंबानी ने कहा छोटे कारोबारियों को मिलेगी बिजनेस बढ़ाने में मदद। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा सरकार करे श्रम सुधारों की पहल, बिजली दरों को बनाए युक्ति संगत। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लॉन्च किया किसान सारथी, बढ़ेगी आय और मिलेंगे कई फायदे। सीईए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बोले वित्तीय वर्ष 2022-23 से जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7 फीसदी होने की उम्मीद। फेसबुक कंपनी करेगी ऑनलाइन पेमेंट सर्विस की शुरुआत, कंपनी जल्द शॉपिफाई ई कॉमर्स के साथ करेगी इसकी शुरुआत, ऑनलाइन बिजनेस में मिलेगी मदद। शिवम दुबे ने गर्लफ्रेंड अंजुम खान के साथ रचाई शादी, मुस्लिम रीति रिवाज को फॉलो करते हुए शादी की तस्वीरें की साझा। साउथ अफ्रीका ने तीसरे वनडे में आयरलैंड को 70 रनों से हराया, सिमी सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया शतक। हॉकी में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगा इटारसी का विवेक सागर, एमपी से हॉकी में एकमात्र खिलाड़ी होंगे विवेक, 24 जुलाई को होगा भारत का पहला मैच। कोरोना टेस्ट के बाद युगांडा का 20 साल का खिलाड़ी लापता, ओसाका में कर रहा था प्रैक्टिस, स्थानीय प्रशासन एथलीट की तलाश में जुटा। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप की घोषणा की, भारत के ग्रुप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान भी मौजूद, श्रीलंका और बांग्लादेश खेलेंगे क्वालिफायर राउंड। टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार के खिलाफ केस दर्ज, महिला ने लगाया काम दिलाने के बहाने यौन शोषण का आरोप। साल बाद फिल्मों में वापसी करेंगी मंदाकिनी, राम तेरी गंगा मैली फिल्म में से बनी थी उनकी पहचान। नेहा कक्कड़ भाई टोनी कक्कड़ के साथ म्यूजिक मंच डिस्प्री में छेड़ेंगे सुर, एक वर्चुअल कॉन्सर्ट का किया गया ऐलान। शादी के बंधन में बंधे राहुल वैद्य दिशा पर मार, बारात में जमकर नाचे राहुल, घुटनों पर बैठकर दिशा को पहनाई अंगूठी। जिमी शेरगिल की वेब सीरीज चूना की रुकी शूटिंग, 5 कलाकार निकले कोरोना संक्रमित। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।